एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। आज बीएसपी प्रमुख मायावती का जन्मदिन है और यूपी में फिर से एक बार उसी सोशल इंजीनियरिंग की चर्चा हो रही है जिसने मायावती को सत्ता तक पहुंचाया। हम बात कर रहे हैं ब्राह्मण कार्ड की। कांग्रेस ने 2022 में ब्राह्मण मुख्यमंत्री की मांग उठाकर नए समीकरण के जरिए सियासत की बिछा दी है। धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक भगवान विष्णु के छठे अवतार परशुराम, चिरंजीव यानी अमरता का वरदान पाने वाले परशुराम। आप सोच रहे होंगे अचानक भगवान परशुराम की चर्चा कहां से आ गई? दरअसल यूपी की पॉलिटिक्स में भगवान परशुराम के बहाने ब्राह्मणों की राजनीति एक बार फिर शुरू हो गई है। यूपी के मेरठ भगवान परशुराम की प्रतिमा के अनावरण के लिए पहुंचे कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम ने यूपी की पॉलिटिक्स पिच पर एक बार फिर ब्राह्मण वाली बॉल फेंक दी है। आचार्य प्रमोद कृष्णम ने यूपी में ब्राह्मणों पर अत्याचार का आरोप लगाकर 2022 में ब्राह्मण मुख्यमंत्री की मांग भी उठा दी। ब्राह्मणों के लिए ये संक्रमण काल है और ब्राह्मणों में बहुत इसका रोष है। ब्राह्मण समाज तिरस्कृत भी है और अपमानित भी है। पिछले जो घटनाक्रम हुए हैं, ब्राह्मणों के बच्चों को, निर्दोष बालकों के भी झूठे एनकाउंटर किए गए और ब्राह्मणों का जो राजनीतिक जो उनकी हिस्सेदारी है वो भी नहीं मिल पा रही है। उत्तर प्रदेश में पिछले 31 साल से लेकर के ब्राह्मणों का जो प्रतिनिधित्व है, जिसमें मैं ये मानता हूँ कि उत्तर प्रदेश में तरह तरह के अलग अलग राजनीतिक दलों की सरकारें रही हैं, लेकिन ब्राह्मण मुख्यमंत्री नहीं हुआ। हम लोग चाहते हैं कि 2022 में उत्तर प्रदेश का होने वाला मुख्यमंत्री ब्राह्मण। सिर्फ कांग्रेस के आचार्य प्रमोद कृष्णम ही नहीं, जेडीयू के केसी त्यागी भी परशुराम पर सुर में सुर मिलाने लगे। ये आने वाली पीढ़ी भगवान परशुराम के बताए हुए रास्ते पर आगे चलकर ब्रह्म ऋषि समाज को भी गौरवान्वित करने का काम करेंगे। मैं बहुत जिम्मेदारी के बाद अपनी समाप्त करते हुए ये कहना चाहता हूँ कि ब्रह्म ऋषि समाज और परशुराम के जो मानने वाले लोग हैं उनके हितों की अब अनदेखी कोई नहीं कर सकता। बीते कुछ दिनों में भले इसकी चर्चा मध्यम पड़ गई हो, लेकिन कांग्रेस पिछले साल से ही ब्राह्मणों के जरिए यूपी में 31 साल का सूखा खत्म करने की रणनीति बना रही है। दरअसल यूपी में ब्राह्मण वोटरों के सदुपयोग की सोशल इंजीनियरिंग के जरिए बीएसपी प्रमुख मायावती ने साल 2007 में ब्राह्मणों और दलितों का ऐसा गठजोड़ बनाया कि सीधे सत्ता तक पहुंच गई। उस समय नारा भी दिया जाता था, ब्राह्मण शंख बजाएगा हाथी बढ़ता जाएगा। आज मायावती का जन्मदिन है और ठीक इसी मौके पर फिर एक बार उनके सोशल इंजीनियरिंग की सुगबुगाहट साफ सुनी जा सकती है। यूपी में ब्राह्मण वोटरों की संख्या करीब 9-10% है। 2007 में बीएसपी की जीत में ब्राह्मणों की अहम भूमिका रही। 56 उम्मीदवारों में से 41 विधायक चुने गए। 2012 में एसपी सरकार में 21 ब्राह्मण विधायक चुने गए। 2017 में बीजेपी के टिकट पर 58 ब्राह्मण चुनाव जीते। यानी कांग्रेस को कामयाबी का मंत्र ब्राह्मण कार्ड में नजर आ रहा है। पिछले 10 जुलाई को एनकाउंटर में मारा गया गैंगस्टर विकास दुबे ब्राह्मण ही था। उस समय एक महीने में दर्जन भर अपराधियों का एनकाउंटर हुआ और सब के सब ब्राह्मण थे। उस समय से ही कांग्रेस योगी सरकार पर ब्राह्मणों के फर्जी एनकाउंटर और अत्याचार के आरोप लगा रही है। इसके बाद समाजवादी पार्टी की तरफ से हर जिले में परशुराम की प्रतिमा लगाने का ऐलान किया तो परशुराम की राजनीति जोर पकड़ने लगी। बीच में कुछ दिनों तक भले इसकी चर्चा नहीं हुई हो, लेकिन ब्राह्मण कार्ड की वापसी से साफ है कि ये मामला 2022 के चुनाव तक जोर शोर से उठता रहेगा। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।